हेलो दोस्तों, मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में क्या होने वाला है देखिए। आप सभी के लिए मैं मैथमेटिक्स ऑनर्स पार्ट टू का क्वेश्चन बैंक का सलूशन अच्छे तरीके से फिर से करवाने वाली हूँ। ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट 20 से 23 सेशन के स्टूडेंट हैं वो कृपया करके डेली शाम को 7 बजे इस चैनल पर आए और अपना 20 से 23 सेशन वाले स्टूडेंट पार्ट टू की एग्जामिनेशन की तैयारी को कंटिन्यू रखें। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, पेपर 4 की तैयारी हम लोग कंप्लीट करेंगे, उसके बाद पेपर 3 करेंगे। ऐसा मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि पेपर 3 का तो बहुत सारा कंटेंट मैं डाली हुई हूँ पहले से, तो आप लोग वहाँ से देख के पढ़ सकते हैं। लेकिन पेपर 4 का तो कोई कंटेंट नहीं डाली हुई हूँ, तो फिर आप लोगों को पढ़ने में दिक्कत होगी। तो आप लोग इसकी चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना, ठीक है। तो बस मैं जो पढ़ाती हूँ उसको पढ़ते रहिए। तो आज के वीडियो में पहले क्या होने वाला है ये बता देती हूँ। अगर काम का होगा तो आप लोग देखिएगा, नहीं काम का होगा तो चले जाइएगा। अगर आप लोगों का मैथमेटिक्स सब्सिडरी है या फिर आप लोगों का मैथमेटिक्स ऑनर्स, दोनों को वेक्टर कैलकुलस पढ़ना है, तो आप लोगों का ये जो मैथमेटिक्स ऑनर्स का 2015 का क्वेश्चन बैंक है ना, तो हम लोग 2015 के क्वेश्चन को आज पूरा सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में 2016 का, फिर नेक्स्ट में 2017, फिर 18, फिर 19, फिर 20, 21, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 7 साल का क्वेश्चन अगर आप लोग कर लेते हैं तो फिर ये गारंटी रखिएगा कि वेक्टर कैलकुलस से 3 क्वेश्चन आएगा। कहने के लिए 3 रहेगा लेकिन आएगा 6, एक में 2 रहेगा, ठीक है, ए बी करके। तो आप लोग सारा क्वेश्चन बना सकते हैं, तो वेक्टर कैलकुलस में आप लोगों को कॉन्फिडेंस हासिल हो जाएगा। तो चलिए बहुत बकवास कर लिए, अब हम लोग काम की बात पे आते हैं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, और मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, मैं आप लोगों को दिखा सकती हूँ क्वेश्चन बैंक का पूरा पीडीएफ तैयार है। तो अगर आप लोगों का पीडीएफ चाहिए होगा तो मुझे टेलीग्राम पे कांटेक्ट करके ले सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को पीडीएफ का मेंटेनेंस चार्ज पे करना होगा, ठीक है। क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूँ, ये कंटेंट तैयार तो मेरे ही द्वारा किया गया है, बट लेकिन इसमें बहुत सारे स्टूडेंट का भी हाथ है, क्योंकि मेरी हैंडराइटिंग उतनी अच्छी नहीं होती है, तो मैं दूसरे से हेल्प लेके तैयार करवाई हूँ ताकि आप लोगों को देखने में किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, और आप लोगों को पूरा क्लियर दिखे और आप लोग इससे समझ सके। इसलिए तो आप लोगों को इस वजह से पीडीएफ का मेंटेनेंस चार्ज पे करना होगा। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, प्रूव डैट ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल टू ए डॉट सी इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू सी। तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये फार्मूला याद भी रहना चाहिए, ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का है, तो प्रूफ से ज़्यादा जरूरी है। आप प्रूफ तो जरूरी है ही, एग्जामिनेशन में प्रूफ पूछता है, लेकिन आप लोगों को इसको याद करने का मैं ट्रिक बताती हूँ। ब्रैकेट में जो भी रहेगा वो यहाँ पर लिखिएगा, यहाँ ब्रैकेट में क्या है, बी है और यहाँ सी है, दोनों के बीच में माइनस करना है। क्या करना है, जो भी ब्रैकेट में पहले बी है तो बी, और फिर बाद में क्या सी तो माइनस सी। अब चलिए बी लिख लिए ना, बी लिख लिए तो क्या क्या बच गया, ए और सी बच गया, तो यहाँ पे ए डॉट सी लिख देंगे, और यहाँ पे सी लिख ली तो क्या बच गया, ए डॉट बी, ए और बी बच गया, तो यहाँ पे ए डॉट बी लिख देंगे। यही आप लोगों का फार्मूला तैयार होता है किसका, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का। ये फार्मूला हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन प्रूफ करेंगे, इसमें यूज करेंगे, तो आप लोग याद रखिएगा। देखिए बी सी है तो यहाँ बी लिखे माइनस सी लिखे, बी लिख लिए तो बचा क्या, ए सी, तो इसका डॉट ये दोनों का डॉट कर दिए, यहाँ सी लिख दिए तो क्या बचा, ए और बी, तो ये दोनों का डॉट कर दिए, तो हम लोग का क्या हो गया, ए डॉट बी हो गया। तो चलिए ये फार्मूला याद हो गया, आप लोग बस टेंशन मत लीजिए, आराम से मेरे पे विश्वास करके पढ़िए, एग्जामिनेशन में 100% स्कोर होगा, इसकी चिंता आप लोग मत कीजिए। तो चलिए हम लोग अब क्या करेंगे, एलएचएस लेके स्टार्ट करेंगे। क्या है एलएचएस, ए क्रॉस बी क्रॉस सी है हम लोग को एलएचएस में, फ्रॉम एलएचएस वी हैव दिस। और हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, बी क्रॉस सी का क्या मतलब होता है, बी क्रॉस सी एक ऐसा प्लेन, देखिए बी एक हम लोग का वेक्टर होगा, बी क्रॉस सी एक ऐसा वेक्टर होगा जो परपेंडिकुलर होगा किसके, बी और सी के, ठीक है। तो देखिए वी नो डैट बी क्रॉस सी इज अ वेक्टर, हम लोग जानते हैं क्या, वी क्रॉस सी एक वेक्टर होगा जो कि परपेंडिकुलर होगा, जो कि प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग बी एंड सी, ठीक है। तो देयरफॉर ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी क्रॉस सी। देखिए ये बात ध्यान से समझिए, बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं समझ में आता है, मैं आप लोगों को कोशिश कर रही हूँ, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए बी क्रॉस सी का मतलब क्या होता है, बी क्रॉस सी का मतलब होता है बी क्रॉस एक ऐसा वेक्टर होगा जो कि परपेंडिकुलर होगा जिस प्लेन में बी और सी कर रहे होंगे, ठीक है, बी और सी उस प्लेन में कंटेन कर रहे होंगे, बी और सी ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट है, मतलब बी और सी होगा। यही बात किया जाए ए क्रॉस बी क्रॉस सी का, तो इसमें ये किस प्लेन के, इसमें कौन सा प्लेन कंटेन करेगा, तो एक ए होगा और एक बी क्रॉस सी होगा, ठीक है। तो देयरफॉर ए क्रॉस बी क्रॉस सी जो होगा एक वेक्टर होगा जो कि परपेंडिकुलर होगा किसके, प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी क्रॉस सी। डैट मीन्स ए क्रॉस बी क्रॉस सी जो है ना वो परपेंडिकुलर होगा ए के,
और वो ए क्रॉस बी क्रॉस सी है वो ए के परपेंडिकुलर होगा और किस प्लेन में कंटेन करेगा वो बी और सी में। इतना तक आप लोगों को कोई दिक्कत हुआ नहीं हुआ होगा। अभी तक क्या देखे हम लोग LHS में था ए क्रॉस बी क्रॉस सी। बी क्रॉस सी जो होगा वो एक वेक्टर होगा जो कि परपेंडिकुलर होगा प्लेन कंटेनिंग बी एंड सी के, ठीक है। तो देयरफॉर ए क्रॉस बी क्रॉस सी जो होगा वो वेक्टर परपेंडिकुलर टू दो होगा किसके, ए और बी क्रॉस सी का। इसका मतलब क्या हुआ, ए क्रॉस बी क्रॉस सी जो है वो परपेंडिकुलर होगा ए का और वो कंटेन करेगा बी एंड सी में, ठीक है। तो अब हम लोग कुछ कंसीडर करते, देखिए अब हम लोग कंसीडर करेंगे, लेट द कंसीडर द यूनिट वेक्टर आई जे के। हम लोग अब यूनिट वेक्टर कंसीडर करेंगे जो कि आई जे के होगा, और टेकिंग द वेक्टर बी अलोंग जे, अब बी को लेंगे जे के अलोंग सी को लेंगे। टेकिंग द वेक्टर बी, बी जो है वो किसके लिए अलोंग लिए है, जे के अलोंग लिए है, और सी जो है वो किसके अलोंग लिए है, सी जो है वो जे और के अलोंग लिए है, ठीक है। आप लोग यहाँ पर डायग्राम देख सकते हैं, आप लोग को डायग्राम से ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। टेकिंग द वैक्टर वी एलॉन्ग जे, टेकिंग द वैक्टर बी एलॉन्ग जे और सी इन द प्लेन ऑफ जे एंड के, तो जे और के का ये प्लेन है और इसमें सी लाई कर रहा है, और ए जो होगा एक आर्बिट्ररी होगा, ठीक है। लेट ए बी एन, और ए जो एक आर्बिट्ररी होगा। तो बी हम लोग अगर बी लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, बी जो बी लिखेंगे हम लोग बी टू जे, और सी लिखना चाहेंगे सी, तो हम लोग जे और के दोनों में लिखेंगे तो सी टू जे और सी थ्री के, और ए लिखना चाहेंगे तो हम लोग लिखेंगे ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से बी क्रॉस सी निकाल लेंगे, बी क्या है बी टू जे और क्रॉस सी क्या है सी टू जे प्लस सी थ्री के, और दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेंगे। आप लोगों को क्रॉस प्रोडक्ट नहीं निकालने आता है तो मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ, अगर आप लोग क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, देखिए ये वाला ट्रिक ध्यान रखिए फिर आप लोग को दिक्कत नहीं होगा, अगर आप लोग को सेम का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं जैसे आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, तो उसका वैल्यू आप लोगों को जीरो होता है। बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी डाउट होता है क्यों आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के हमेशा देखते हैं कि जहाँ पे ये दिखता है जीरो कर देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखिए क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला हम लोग का क्या होता है, अगर ए क्रॉस बी है तो उसका फॉर्मूला होता है ए बी साइन थीटा, और थीटा जो है वो एंगल होता है ए और बी के। तो अगर आई और आई दोनों एक ही वैक्टर है, अगर दोनों के बीच में एंगल देखा जाए तो जीरो होगा। अगर साइन थीटा का वैल्यू जीरो है मतलब साइन जीरो क्या होता है, साइन जीरो का वैल्यू आप लोगों का जीरो होता है, जिस वजह से आप लोगों का जीरो होता है, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट को ये तो याद हो रहता है कि हाँ वेक्टर प्रोडक्ट करते हैं आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, तो जीरो होता है, लेकिन ये नहीं पता होता है। एक आप लोग डायग्राम देखिएगा, यहाँ पे आप लोग को मैं कलर चेंज करती हूँ, ठीक है, कौन सा कलर लें, ठीक है। तो ये आप लोग का आई है, ये है आप लोग का जे है, ये आपके है। अगर आप लोगों से कोई आई क्रॉस जे पूछेगा तो उसका वैल्यू के हो जाएगा, यही जे क्रॉस के पूछेगा तो उसका वैल्यू आई हो जाएगा, यही के क्रॉस आई पूछेगा तो इसका वैल्यू जे होगा, ठीक है। अगर आप लोगों का साइक्लिक ऑर्डर में चलेगा, साइक्लिक ऑर्डर कहने का क्या मतलब है, घड़ी जिस दिशा में चलती है उस दिशा में आप लोग का कोई पूछेगा तो उसका पॉजिटिव में आंसर आएगा, ठीक है। यही आप लोगों से मैं पूछूंगी आई क्रॉस के क्या होगा, तो उल्टा चल रहा है घड़ी के विपरीत दिशा में, तो आई क्रॉस के हम लोग का क्या आ जाएगा, माइनस जे आ जाएगा। तो आप लोग इस बात की अच्छी तरीके से याद रखिएगा, जैसे आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के, मतलब कि ये सारी बातें सेम रहेगा तो जीरो होगा, तो ये तो समझ में आ गया, लेकिन डिफरेंट रहेगा तो किस प्रकार से चलता है आप लोगों को समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकालते तो इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसके साथ इसका करेंगे, तो यहाँ जे क्रॉस जी आया सेम आया तो ये तो जीरो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखिए जे क्रॉस के है तो हम लोग यहाँ पे डायग्राम बना लेंगे, यहाँ पे ये हम लोग का आई है, जे है, के, हम लोग क्या निकालेंगे जे क्रॉस के। तो हम लोग साइक्लिक ऑर्डर में चल रहे, घड़ी जिस दिशा में चलता है, तो जे क्रॉस के क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, तो हम लोग का बी टू सी थ्री आई हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग का बी क्रॉस सी का वैल्यू ये आ गया। अब हम लोग को क्या निकालना है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी का वैल्यू निकालना है। ए का वैल्यू क्या है, ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के, तो हम लोग यहाँ पे रख देंगे और हम लोग इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। इसका पूरा सॉल्व कीजिएगा, बस सॉल्व ही करना है, मतलब इसके इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ। अगर आई क्रॉस आई सेम है तो जीरो हो जाएगा, जे क्रॉस आई है तो देखिए यहाँ पे आई जे के है, आई जे के है, हम लोग को क्या करना है, जे क्रॉस आई करना है, तो मतलब हम लोग को उल्टा घड़ी के उल्टा दिशा में चलना है, घड़ी के उल्टा दिशा में चलना है, तो हम लोग का माइनस के आ जाएगा वैल्यू, ठीक है। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए कि किस तरीके से हम लोग ए क्रॉस बी क्रॉस जे, ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकाले हैं, तो हम लोग को ये आया है। अब हम लोग क्या करेंगे, क्या करेंगे, अब हम लोग जो भी कॉमन निकलने वाला है, कॉमन निकलने वाला उसको निकाल लेंगे और हम लोग इसको अलग तरीके से, मतलब कि इसको साइड कर, इसको सजा के लिख देंगे, ठीक है। इसमें बी टू जे कॉमन निकलेगा तो बी टू जे कॉमन निकालिए, ये बचा, ठीक है। तो बी टू जे किसके बराबर था, बी के बराबर था, और ए टू बी टू किसके बराबर था, और देखिए ये जो फॉर्मूला दिया, ए जो दिया हुआ लिखा हुआ, ये ए डॉट सी का है, ठीक है। इसके जगह पे हम लोग ए डॉट सी लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ से हम लोग का जो भी प्रूफ करना था वो आ गया। देखिए प्रूफ भी आप लोग भी कर सकते हैं, कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बस आप लोग को ध्यान रखना है वो फॉर्मूला जो मैं बताई उसको याद रखिएगा,
और क्रॉस प्रोडक्ट किस प्रकार से काम करता है उसको याद रखिएगा। और कुछ कहानी लिखना है कि बी क्रॉस सी है, मतलब बी क्रॉस सी एक परपेंडिकुलर होगा जो कि कंटेन करेगा बी और सी को, तो देयरफॉर ए क्रॉस बी क्रॉस सी एक वेक्टर होगा परपेंडिकुलर जो कि कंटेन करेगा ए एंड बी क्रॉस सी का। मतलब यहाँ से हम लोग क्या करते कह सकते ए क्रॉस बी क्रॉस सी जो है ना वो ए वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा और बी एंड सी में कंटेन करेगा। फिर हम लोग आई जे के एक वेक्टर मानेंगे, फिर ए वन कुछ मानेंगे, ए वन मानेंगे, फिर बी वन मानेंगे, फिर सी ए वन बी वन सी वन मानेंगे, फिर हम लोग उसको ए क्रॉस बी क्रॉस सी करके अच्छे तरीके से निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए किसके बराबर आता है, ए बी सी का होल स्क्वायर। देखिए बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो रिपीट करेगा, मतलब 2015 में पूछा, 16 में पूछा, फिर 18 में पूछा, फिर 19 में पूछा, फिर 21 में पूछा। तो अगर सेम क्वेश्चन होगा तो मैं नहीं करवाऊंगी, तो एक ही बार मैं बताती हूँ, आप लोग एक ही बार में समझने की कोशिश कीजिए। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, आप लोग पीडीएफ मेरे से ले लीजिए और उसको पढ़िए अच्छे तरीके से। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए। अगर आप लोग स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़े होंगे तो आप सभी को पता होगा इसको हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं। अगर नहीं पढ़े हुए तो फिर मैं आप लोगों को बता देती हूँ, इसकी भी चिंता आप लोगों को नहीं करनी है। क्या है आप लोगों को, ए बी सी है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग ए डॉट बी क्रॉस सी। ये हम लोग का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, अगर ए बी सी इस प्रकार से लिखा हुआ है तो इसको ये लिख सकते हैं, और ये लिखा हुआ है ए डॉट बी क्रॉस सी, ये हम लोग का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है और इसको इस प्रकार से भी डिनोट कर सकते हैं। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ए क्रॉस बी डॉट बी क्रॉस सी क्रॉस सी क्रॉस ए। हम लोग क्या करेंगे, बी क्रॉस सी को एम मान लेंगे। ठीक है, हम लोग क्या किए, बी क्रॉस सी को एम मान लिए और यहाँ पे ये रख दिए। तो आप लोगों को ये दिख रहा होगा, ये वेक्टर प्रोडक्ट है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। और आप लोगों को मैं अभी थोड़ा देर पहले जो प्रूफ करवाई हूँ ना ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो जो फॉर्मूला बताई हूँ ना कैसे याद करना है, इसलिए मैं बताई हूँ, क्योंकि हर एक प्रूफ में काम पड़ेगा। तो यहाँ ब्रैकेट में क्या है, ब्रैकेट में सी है और यहाँ ए है, तो सी माइनस ए लिख दिए, तो सी लिख दिए तो एम ए बच गया, तो एम ए का डॉट, और ए लिख दिए, ए लिख दिए तो एम सी बच गया, तो एम सी का डॉट। और यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, ये जैसे के तैसे है। यहाँ क्या है देखिए, और हम मैं आप लोग को एक बात बताना चाहती हूँ, अब एम के जगह पे हम लोग बी क्रॉस सी जो हम लोग माने थे वो एम के जगह पे लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, बी क्रॉस सी डॉट ए, और जैसे है तैसे। ठीक है, एम के जगह पे हम लोग, देखिए पहले हम लोग एम रख के उसको तोड़ लिए, और फिर एम के जगह पे जो था बी क्रॉस सी उसको हम लोग लिख दिए। ठीक है, तो ये बी क्रॉस सी डॉट ए को हम लोग लिख सकते हैं बी सी ए, और इसको क्या लिख सकते हैं बी सी सी, और इस तरीके से लिख सकते हैं ये ए क्रॉस बी है और ये क्या है बी सी ए सी है। और अगर देखिए, अगर आप लोगों को एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का मैं प्रॉपर्टीज बताना चाहती हूँ, अगर आप लोगों का तीन है ए बी सी, अगर इसमें से कोई भी दो सेम हो जाता है ना तो उसका वैल्यू जीरो हो जाता है। तो आप लोग को ये जो है ना इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो हम लोग को यहाँ से क्या आया, ए क्रॉस बी, बी सी ए आया और ये सी आया। ठीक है, तो ये सी को उधर भी इधर ले जा सकते हैं। ठीक है, तो ए क्रॉस बी डॉट सी को हम लोग ए बी सी लिख सकते हैं और यहाँ पे बी सी ए है, और बी सी ए को हम लोग ए बी सी भी इंटरचेंज कर सकते हैं। ओके, ए बी सी और बी सी आपस में बराबर होता है, तो बी सी ए की जगह पे हम लोग ए बी सी रख देंगे, तो हम लोग को यहाँ पे ए बी सी का होल स्क्वायर आ जाएगा। और इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर वन का ऑप्शन नंबर बी भी प्रूफ कर लेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर टू का ए क्या है, इफ ए इज यूनिट वेक्टर प्रूफ डैट ए क्रॉस डी डी ए वाई डी टी इक्वल टू डी ए वाई डी टी है। ठीक है, हम लोग को प्रूफ क्या करना है, एक यूनिट वेक्टर होगा जिसमें हम लोग को प्रूफ करना है ए क्रॉस डी ए वाई डी टी। ठीक है, जो कि बराबर है किसके, डी ए वाई डी टी के बराबर है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए ए ए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ इफ ए इज ए यूनिट वेक्टर, तो एक यूनिट वेक्टर है, एक यूनिट वेक्टर कहने का क्या मतलब है, इसका ए का मैग्नीट्यूड वन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत है, अगर ए यूनिट वेक्टर है तो हम लोग को जो भी प्रूफ करना है वो तो बात की बात है, लेकिन एक यूनिट वेक्टर तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, एक यूनिट वेक्टर है तो ए का मैग्नीट्यूड वन होगा। अब हम लोग क्या निकालेंगे, अब हम लोग ए डॉट ए निकालेंगे, तो ए डॉट ए क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, और यहाँ पे दोनों ए है तो ए का मैग्नीट्यूड, फिर ए का मैग्नीट्यूड, फिर कॉस थीटा, और दोनों के बीच में एंगल क्या बनेगा, जीरो बनेगा। ठीक है, ये कैसे पता चलता है, देखिए ए वेक्टर है और ए वेक्टर के दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, जीरो होगा, तो ये कॉस जीरो वन होता है, तो हम लोग का ए डॉट ए वन आ गया। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे टी के रिस्पेक्ट में, तो डी वाई डी टी ये हो जाएगा, और हम लोग अभी इसको डॉट प्रोडक्ट वाला डिफ्रेंशिएशन लगाएंगे। तो देखिए ये कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन प्लस ये वाला, इसका डिफरेंशिएशन, ये कांस्टेंट है, ये हम लोग का ये आ गया ए डॉट डी ए बाई डी टी। और देखिए डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, ए डॉट बी जो है वो बी डॉट ए के बराबर होता है। ठीक है, लेकिन स्केलर प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता, वो माइनस के बराबर आ जाता है। तो आप लोगों का यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए डी ए बाई डी टी डॉट ए है, तो हम लोग का यहाँ से लिख सकते हैं ए डॉट डी ए बाई डी टी, क्यों, क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट में मतलब कि सॉरी स्केलर प्रोडक्ट बोले या डॉट प्रोडक्ट बात बराबर है, ए डॉट बी और बी डॉट ए आपस में बराबर होता है। तो हम लोग का यहाँ पे क्या है, ए डॉट डी ए बाई डी टी प्लस ए डॉट डी ए बाई डी टी, तो यहाँ से आ गया हम लोग को टू ए डॉट डी ए बाई डी टी, और यहाँ से हम लोग का ए डॉट डी ए बाई डी टी आ गया। ठीक है, अगर ए डॉट डी ए बाई डी टी आ गया, मतलब कोई भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो आता है, कहने का क्या मतलब है, ए जो है वो परपेंडिकुलर होगा किसके, परपेंडिकुलर होगा डी ए बाई डी टी के। तो अगर ए ए जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, है डी ए बाई डी टी। अब हम लोग क्या निकालेंगे, ए क्रॉस डी ए बाई डी टी, तो अगर ए और डी ए वाई डी टी में
एंगल जो है वो एंगल परपेंडिकुलर ए और डी बाई डी टी मतलब एंगल जो है वो 90 डिग्री है, तो ए का मैग्नीट्यूड डी बाई डी टी का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा, और यह अगर वेक्टर प्रोडक्ट करते हैं ना तो इसमें एक डायरेक्शन भी आता है, ठीक है, यूनिट वेक्टर, ठीक है, जो कि डायरेक्शन बताता है। तो हम लोग का यहाँ पे एन कैप भी आएगा और साइन 90 का वैल्यू क्या होता है 1 आता है। तो हम लोग को यहाँ से क्या आया, ए क्रॉस डी ए बाई डी टी का वैल्यू डी ए बाई डी टी और एन कैप, ठीक है, जहाँ पे ए का वैल्यू हम लोग का क्या है, ए का वैल्यू हम लोग का 1 है, इसलिए यहाँ पे ए का वैल्यू 1 रख दिए है। तो यहाँ से हम लोग का क्या आ गया, ए क्रॉस डी ए बाई डी टी और एन कैप सिर्फ हम लोग का यूनिट वैक्टर बताता है और कुछ नहीं। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं ए क्रॉस डी ए बाई डी टी जो है वो डी ए बाई डी टी के बराबर था। इस ये क्वेश्चन में समझ में आया, देखिए सबसे पहले क्या कि एक यूनिट वैक्टर था मतलब ए का मैग्नीट्यूड 1 होगा, ठीक है, हम लोग ए डॉट ए निकाले तो ए डॉट ए निकाले तो क्या a डॉट a मतलब 1 आया था। फिर हम लोग क्या कि इसका t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिए तो हम लोग को यहाँ से a डॉट da बाई dt इक्वल टू 0 आ गया। अगर a डॉट da बाई dt 0 आता मतलब a परपेंडिकुलर da बाई dt का मतलब दोनों के बीच में एंगल जो है वो 90 डिग्री है। फिर हम लोग a क्रॉस da बाई dt निकाल लिए आसानी से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, प्रूव दैट द डेरिवेशन ऑफ ए वेक्टर ऑफ ए कांस्टेंट मैग्नीट्यूड इज ऑर्थोगोनल टू इटसेल्फ। हम लोगों को क्या करना है, जो वेक्टर का डेरिवेटिव होता है ना वो कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, प्रूव दैट द डेरिवेशन ऑफ ए वेक्टर ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड इज ऑर्थोगोनल टू इटसेल्फ। मतलब देखिए हम लोग का एक वेक्टर होगा ए जिसका मैग्नीट्यूड होगा ए, ठीक है, तो अगर हम लोग ए और डी ए बाई डी टी करेंगे मतलब डिफ्रेंशिएशन ऑफ वेक्टर ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, मतलब ए एक मैग्नीट्यूड है उसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा डी ए बाई डी टी, वो ऑर्थोगोनल है मतलब ए और डी ए बाई डी टी का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हम लोग का 0 आएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग क्या किए, सबसे पहले एक मैग्नीट्यूड माने हैं, लेट द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वैक्टर इज ए विच इज कॉन्स्टेंट, ओके, ए हम लोग एक मैग्नीट्यूड माने जो कि कॉन्स्टेंट है, तो हम लोग को क्या प्रूफ करना है, देन वी हैव टू प्रूव दैट ए डॉट डी ए बाई डी टी इक्वल टू 0, और ए कॉन्स्टेंट है तो ए कॉन्स्टेंट है उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ए डॉट ए निकालेंगे, ठीक है। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, आप लोग अपने कॉपी में लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा तो अच्छे से आ ही जाएगा। तो ए डॉट ए निकालेंगे, ए डॉट ए क्या होता है ए स्क्वायर, हम लोग क्या करेंगे टी के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी वी गेट क्या आ जाएगा डी वाई डी टी ए डॉट ए किसके बराबर है डी वाई डी टी ए स्क्वायर। अब हम लोग वही वेक्टर डॉट प्रोडक्ट का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, एक का डिफ्रेंशिएशन दूसरा कांस्टेंट प्लस पहला का डिफ्रेंशिएशन दूसरा कांस्टेंट, और यहाँ से हम लोग का ए डॉट डी ए बाई डी टी इक्वल टू 0 आ जाता है। यहीं से हम लोग क्या बोलेंगे, हेंस द डेरिवेटिव ऑफ ए वेक्टर ऑफ ए डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर ऑफ ए कांस्टेंट मैग्नीट्यूड इज ऑर्थोगोनल टू इटसेल्फ, ठीक है। चलिए इस तरीके से हम लोग 1 का ए कर लिए, 1 का बी कर लिए, 2 का ए कर लिए, 2 का बी कर लिए। अब हम लोग 3 का ए करेंगे, 3 में ए क्या कह रहा है, डिफाइन डाइवर्जेंस, पहले आप लोग को डाइवर्जेंस एंड कर्ल, ठीक है, डाइवर्जेंस एंड कर्ल का क्या डिफिनीशन है ये बताना है, फिर आप लोग को प्रूफ करना है डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ बी इक्वल टू 0। तो चलिए इसको सबसे पहले डाइवर्जेंस का डिफिनीशन समझ लीजिए। अगर हम लोग का लेट बी एक्स वाई जेड है, वी ए वेक्टर फंक्शन, वी ए कोई हम लोग का वेक्टर फंक्शन है जो कि डिफाइन है, ठीक है, वी ए कोई फंक्शन है जो कि डिफाइन है एंड डिफरेंशिएबल एट ईच पॉइंट एक्स वाई जेड इन अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस, देन द डाइवर्जेंस ऑफ वी रिटेन एज डाइवर्ज, देखिए डाइवर्ज थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा, डाइवर्जेंस डॉट प्रोडक्ट होता है और कर्ल जो होता है ना वो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, इस बात को आप लोग कभी नहीं भूलेगा, फिर आप लोग को एग्जामिनेशन में कुछ ना कुछ हेल्प मिल ही जाएगा अगर कुछ नहीं समझ में आएगा तो। डाइवर्जेंस देखिए डी से डाइवर्जेंट मतलब डॉट प्रोडक्ट और सी से कर्ल मतलब क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, तो डाइवर्जेंस ऑफ वी रिटेन एज डेल और किसके साथ हम लोग डॉट या क्रॉस करेंगे तो डेल्टा के साथ, ठीक है, डेल्टा का वैल्यू जो होता है वो आई डेल अपॉन डेल एक्स जेड डेल अपॉन डेल वाई और के डेल अपॉन डेल जेड होता है। तो आप लोग डेफिनेशन पढ़ सकते हैं क्या लिखा हुआ है, डाइवर्जेंस ऑफ बी मतलब डेल्टा डॉट बी और डेल्टा का वैल्यू होता है आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जेड डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड, किसके साथ बी के साथ डॉट करेंगे तो हम लोग को यहाँ से आ जाएगा आई डेल डी अपॉन डेल बी अपॉन डेल एक्स प्लस जेड डेल बी अपॉन डेल वाई प्लस के डेल बी अपॉन डेल जेड। तो यहाँ से हम लोग समेशन के देखिए एक ही बात लिखा हुआ है तो समेशन के फॉर्म में इस प्रकार से लिख सकते हैं। फिर कर्ल का डेफिनेशन क्या है, कर्ल में कुछ नहीं होता है, डेल्टा के साथ क्रॉस कर देते हैं बी का बस, और वही खानदानी बात लिखा गया हुआ है जो कि बुक सभी में लिखा होता है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे समझिए किस मैथमेटिकल किस प्रकार से करेंगे, डिफरेंशिएशन डेफिनेशन क्या है ये तो आप लोग पढ़ ही लीजिएगा, ठीक है। तो कर्ल भी डेल्टा क्रॉस भी, डेल्टा का वैल्यू मैं पहले बता दी हूँ, क्रॉस करेंगे इसके साथ, ठीक है, फिर एक ही जैसा हम लोग समेशन लगा देंगे, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ बी, पहले डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल भी मतलब डेल्टा के साथ डॉट करना है किसके, कर्ल ऑफ भी मतलब डेल्टा क्रॉस भी के, तो हम लोग भी मान लेंगे क्या, भी मान लेंगे भी वन आई प्लस भी टू जे प्लस भी थ्री के, पहले हम लोग निकालेंगे डेल्टा क्रॉस भी, डेल्टा क्रॉस भी मतलब आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड क्रॉस भी, ठीक है।
कर्ल भी निकाल रहे हैं, फिर डेल्टा क्रॉस भी निकालेंगे, आई मतलब कि जो है वो लिख देंगे भी की जगह पे भी वन आई प्लस भी टू जे प्लस भी के लिख देंगे। फिर हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, आप लोग बचपन से निकालते होंगे, पहले हमें आई जे के लिख सकते हैं, आई जे के लिख देते हैं, फिर आई जे के का कॉम्पोनेंट, फिर नीचे में आई जे के का कॉम्पोनेंट, और फिर हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट के साथ निकाल लेंगे, तो हम लोग को डेल्टा क्रॉस भी आ जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा के साथ डॉट करेंगे, ठीक है, तो डेल्टा के साथ इसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट कर लेंगे, तो डेल्टा के साथ डॉट प्रोडक्ट कीजिएगा तो आप लोगों को क्या आएगा, आई वाला के साथ आई का मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाकी सब जीरो हो जाएगा, जे के साथ जे वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाकी सब जीरो, के साथ के का मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर हम लोग अगर इसको सॉल्व करते हैं तो डेल्टा डॉट डेल्टा क्रॉस भी ये आता है, ठीक है। तो अगर आप लोग यहाँ पे आसान देखिएगा तो आप लोगों को जैसे बहुत सारा टर्म जो है वो आप लोगों को कटते हुए दिखेगा और सारा कट कुट के बचेगा आप लोगों को जीरो। तो हम लोग यहाँ से क्या बोलेंगे, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ बी इक्वल टू जीरो प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आप लोगों को, फाइंड द मोमेंट ऑफ द फोर्स पासिंग थ्रू दिस पॉइंट विच इज पैरेलल टू द वेक्टर दिस। तो देखिए आप लोगों को ये जो क्वेश्चन दिया गया हुआ ना, क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है, क्या मिसिंग है मैं बता दी। देखिए मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना है, तो ठीक है, हम आप लोगों को मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना है और किस पॉइंट से पास कर रहा है, वन वन से पास कर रहा है, ठीक है, और मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना है और विच इज पैरेलल टू द वेक्टर दिस। तो देखिए इसमें आप लोग को सबसे पहले मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, टॉर्क निकालते हैं हम लोग आर क्रॉस एफ से, तो एफ तो दिया हुआ है, लेकिन ये देखिए इसमें है ना किस पॉइंट के अलोंग निकालना है ना, वो नहीं दिया गया, इसमें एक पॉइंट मिसिंग है, क्या है वो, किस पॉइंट के अलोंग मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना है, तो जो भी पॉइंट दिया रहेगा, ठीक है, तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग निकालेंगे, फिर हम लोग ओरिजिन मानेंगे, फिर हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, फिर आप लोगों को बनेगा। ये क्वेश्चन आप लोगों को इनकम्प्लीट है, ठीक है, इस क्वेश्चन में कोई ऐसा चीज़ है जो नहीं दिया गया हुआ है, और वो कौन सा चीज़ है, इसमें किस पॉइंट के अकॉर्डिंग किस पॉइंट पे निकालना है मोमेंट ऑफ फोर्स, ये नहीं दिया गया है, तो क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। ये 19 से 22 सेशन वाले स्टूडेंट भी मुझसे पूछते थे, लेकिन उस टाइम मेरे पास टाइम ही नहीं था कि मैं वीडियो बना के आप लोगों को समझा पाऊँ, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट का हमेशा से डाउट रहता है। भाई डाउट क्यों ना रहेगा, जब अगर क्वेश्चन ही गलत दे दिएगा तो डाउट तो रहना स्वाभाविक है, लेकिन अगर आप लोग अच्छे तरीके से पढ़े होंगे तो आप लोगों को तुरंत क्लिक कर दिया कि क्लिक कर गया होगा कि हाँ इस क्वेश्चन में किस पॉइंट के अलोंग निकालना है, ये तो दिया ही नहीं है, ठीक है। तो ये आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन था। तो आज के वीडियो में क्या देखें, आज के वीडियो में हम लोग 2015 के वेक्टर कैलकुलस का क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन देखें। नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे, 2016 के वेक्टर कैलकुलस का क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन देखेंगे। फिर नेक्स्ट में क्या देखेंगे, 2017 का। इस तरीके से हम लोग पूरा करते जाएंगे और उम्मीद है कि एग्जामिनेशन से बहुत पहले मैं एग्जामिनेशन का फॉर्म भराने से पहले मैं आप लोगों को कंप्लीट करवाने की कोशिश करूँगी, ठीक है। फिर आप लोगों का फॉर्म भरा जाएगा तो आप लोग पढ़िएगा आसानी से, ठीक है, तब मैं पार्ट थ्री में लग जाऊँगी, उन लोग को पढ़ाने लगूँगी। क्या क्या मुझे बात करना था, आज की क्लास का PDF आप लोग देख लीजिए किस प्रकार का PDF है। बहुत सारे स्टूडेंट कंटेंट खरीदने से पहले सोचते हैं कैसा कंटेंट होगा, क्योंकि मुझे भी जब भी कुछ खरीदना होता है तो बहुत सोचती हूँ कि पता नहीं कहीं पैसा ले लिया जाए और नहीं दिया जाए, या फिर कोई फालतू सा कंटेंट कुछ भी दे दिया जाए। तो आप लोगों को क्या कंटेंट है आप लोगों को मैं पहले ही दिखा दी हूँ, ठीक है। तो अगर आप लोगों को यही PDF के फॉर्म में चाहिए, अगर आप लोग निकलवा के इसको पढ़ना चाहते हैं, या फिर PDF में चाहते हैं आप लोग PDF हो, आप PDF से नोट करके पढ़े, या फिर डायरेक्ट PDF से ही पढ़ ले, तो आप लोग मुझसे PDF ले सकते हैं। सिर्फ आज क्या PDF, आज जो कंटेंट मैं प्रोवाइड की हूँ यही, अगर ये चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ 15 रुपया में आप लोग मुझसे ले सकते हैं। इससे कम कॉस्ट आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगा। पहली बात तो आप लोगों को क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन कहीं मिलेगा ही नहीं। मैं बहुत ही जल्दी आप लोगों के लिए क्वेश्चन बैंक सोल्यूशन का बुक बना रही हूँ, ठीक है, जिसमें मैं पूरा सॉल्व करूँगी और उसका बुक आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवा दूँगी, ठीक है, लेकिन टाइम लगेगा उसके लिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय। चलिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके बाय, थैंक यू।